हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर यश हितेश फ्रॉम साईएस एकेडमी। दिस इज माय मोटिवेशनल वीडियो नंबर 20। आज तुम्हारे लिए 6 लिटिल स्टोरीज लेकर आया हूँ, जिससे अपने को जीवन में हिम्मत, ताकत और क्या मिल सकता है, आगे बढ़ने का जज्बा मिल सकता है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ पहली स्टोरी की ओर। पहली स्टोरी देखो हमको क्या बताती है। तो वंस ऑल विलेजर्स डिसाइडेड टू प्रे फॉर रेन। सारे विलेजर्स मिलकर ये डिसाइड कर रहे थे कि अपने को रेन के लिए क्या करना चाहिए, प्रे करना चाहिए। On the day of prayer, all the people gathered, but the only one boy came with umbrella. बराबर सारे people को बुलाया था तो सारे के सारे आए ज़रूर, पर कोई ये मतलब ये तैयारी के साथ नहीं आया कि बारिश आएगी तो भाई हमारे पास कुछ तो ऐसा वेपन या कुछ तो ऐसा अम्ब्रेला वगैरह, रेनकोट वगैरह होना चाहिए कि जिससे अपन उसका बचाव करेंगे। खाली एक बच्चा क्या लेकर आया, अम्ब्रेला लेकर आया। तो वो क्या है, फेथ बताता है कि उसको पक्का ऐसा पता था कि नहीं आज बारिश आएगा ही, तो उसने वो चीज़ पे क्या रखा, फेथ रखा। तो ये इंसिडेंट से ये स्टोरी से हमको पता चल रहा है कि अपने को क्या रखना चाहिए, हमेशा हर चीज़ पे फेथ रखना चाहिए जो अच्छी है अपने लिए। सेकेंड स्टोरी बता रही है, व्हेन यू टॉस अ बेबी इन द एयर। आज अपन हर छोटे बच्चे को, कोई अपने आप ही हाथ में अपने कोई छोटे बच्चे मिलते हैं तो अपन भी क्या करते, थोड़ा उसको टॉस करते या उसके साथ वैसा खेलते हैं। तो ही लाफ बिकॉज ही नो योर विल कैच हिम, मतलब उसको भरोसा होता है कि अगर तुम उसको टॉस कर रहे हो तो तुम उसको सांप में पकड़ भी लोगे। तो ये उसको एक भरोसा रहता है, तो उसको ये क्या बोलते हैं, ट्रस्ट बोलते हैं, दैट्स द ट्रस्ट। तो ये अपने को ट्रस्ट वाला क्वालिटी बताता है। उसके बाद एवरी नाइट वी गो टू बेड विदाउट एनी अश्योरेंस ऑफ बीइंग अलाइव द नेक्स्ट मॉर्निंग। बराबर आज हम हर दिन रात में क्या करते हैं, सो जाते हैं, हमको ये अश्योरेंस नहीं है कि भाई कल हम जिंदा रहने भी वाले या नहीं, कल हमारा सवेरा होने भी वाला है या नहीं नेक्स्ट मॉर्निंग, बट स्टिल वी सेट द अलार्म्स। फिर भी अपन रात में सोते वक्त सब लोग मोबाइल के अलार्म्स लगा कर सोते हैं कि टू वेक अप, के कल हमको जल्दी उठना है, कल ये काम करना है, कल वो काम करना है। तो ये क्या है, होप है, दैट्स होप। इसको हम क्या बोलेंगे, होप बोलेंगे। उसके बाद वी प्लान बिग थिंग्स फॉर टुमारो इन स्पाइट ऑफ जीरो नॉलेज ऑफ द फ्यूचर। बराबर आज हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ये शेयर खरीदा, ये गोल्ड खरीदा, तो एक्स वाई जेड चीज़ किया, पर ये सब हम कल के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग तो कर रहे हैं, पर जो जीरो नॉलेज है फ्यूचर का कि अपने को ही पता नहीं है कि अपना फ्यूचर क्या होने वाला है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस। तो दैट्स द कॉन्फिडेंस। उसके बाद वी सी द वर्ल्ड सफरिंग। बराबर आज किसको भी पूछो, शादी करके सब लोग बोलते हैं कि नहीं परेशान है ऐसा वैसा, तो वी सी द वर्ल्ड सफरिंग फ्रॉम, बट स्टिल वी गेट मैरिड, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट्स द लव। एन ओल्ड मैन शर्ट वॉज रिटर्न, मतलब एक ओल्ड मैन के शर्ट पे क्या लिखा था, ऑन एन ओल्ड मैन शर्ट टी शर्ट ये लिखा था कि वॉज रिटर्न अ क्यूट सेंटेंस, एक क्यूट सेंटेंस सा लिखा था कि आई एम स्वीट 16, कि मैं कितना हूँ, आई एम स्वीट 16 विथ 44 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो उसकी वो एज डिटरमाइन कर रहा है, 60 ईयर्स का वो था पर्सन, ओल्ड मैन कितने ईयर्स का था, 60 ईयर्स, पर उसने डायरेक्ट ऐसा 60 नहीं लिखा, पर उसको प्रेजेंट कैसे अच्छे तरीके से किया, अलग तरीके से किया, तो दैट्स एटीट्यूड। तो उसका एटीट्यूड दर्शाता है कि क्या लिखा था कि आई एम स्वीट 16 विथ 44 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि मैं हूँ तो खाली 16 का, पर 44 साल मेरा क्या है, एक्सपीरियंस है। तो ये उसका एक एटीट्यूड दर्शाता है। तो ये हर एक स्टोरी में हमको, हमारे जीवन में हमको कैसे मतलब क्या क्वालिटीज़ रखनी चाहिए, कैसे हमको जीवन में अपनी हर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, तो ये सारी स्टोरी हमको वो क्वालिटीज़ अपने में डिटरमाइन करने में और अपने में वो फीड करने में मदद करती है। तो आई होप मुझे भी ये पसंद आया, तो मेरे को लगा ये सबके साथ क्या करूँ, शेयर करूँ, तो आज मैंने तुम्हारे साथ ये शेयर किया। लास्ट कोट पे जाऊँगा कि ड्रीम, क्या ड्रीम होना चाहिए, मेरा भी ये ड्रीम है, मैं भी चाहता हूँ सबका ये ड्रीम होना चाहिए कि मेरा एक ही सपना है कि मेरे माँ बाप के सपने पूरे हो, कि आज उनके वजह से आज जो भी कुछ है अपन है, उनके वजह से जो भी कुछ है आज अपन है। तो आज मेरा भी ये ड्रीम है, मैं भी चाहता हूँ सबका ये ड्रीम होना चाहिए कि सब अपने मम्मी डैडी के क्या करो, सपने पूरे करो। ये सबका, हर बच्चे का क्या होना चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए कि उसको अपने मम्मी डैडी का ड्रीम क्या करना है, पूरा करना है। आई होप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।